आप लोग आई होप सभी अच्छे से होंगे और हमारे लेक्चर्स का बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। यही चाहते हैं हम कि अच्छे से स्टडी करते रहें और हमारे बेस्ट एकेडमी आरटी एकेडमी का लाइक सब्सक्रिप्शन जरूर करते रहें, मोटिवेशन मिलता है हमें। तो जैसा कि 11th आप जानते हैं कि मैं कितने लेक्चर से नागेंद्र साहू आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते जा रहे हैं, आपको पढ़ाते चल रहे हैं। आज भी हमारा एक टॉपिक जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का, और वो टॉपिक है मियोसिस। पहली बात मैं लोगों के लिए कहता हूँ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमारे एकेडमी को या पहली बार देख रहे हैं इस सेल डिवीजन को, तो उनके लिए बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे। प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं जिससे कि आप अपने कोर्स को रिकवर कर सकते हैं विद नोट्स। ओके, तो चलिए थोड़ा सा आपको रिकैप करा दूं कि भाई जो हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन स्टार्ट किया था, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस थी कि सेल की अपनी एक साइकिल होती है जिस साइकिल में कोई एक मदर सेल डिवाइड होकर टू और फोर डॉटर सेल में डिवाइड होती है। ये सेल साइकिल थी, उसकी पूरी लाइफ क्या क्या हुआ, जहां पर हमने पढ़ा था इंटरफेज डिवीजन फेज, याद करिए साथ में अपने भी आप रिवाइज करते चलिए। इंटरफेज में हमारा G1 फेज, S फेज और G2 फेज हुआ करता था जिसके अलग अलग फंक्शंस हैं, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था S फेज यानी सिंथेसिस फेज। हमने इस इंटरफेस को पार करके डिवीजन फेज से पहुंचे जहां पर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस नाम की चीज हुआ करती थी, जहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता था एंड साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता था। इस कहानी को भी पार करने के बाद हम पहुंचे हमारे सेकंड लेक्चर जो कि डिपेंड था माइटोसिस। मैंने आपको बताया कि सेल का डिवीजन टू टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस आपकी सोमैटिक सेल्स है, हमारे जो बॉडी की सेल्स हैं, इन बॉडी के सेल्स में जो डिवीजन हो रहा है वो डिवीजन हमारी माइटोसिस डिवीजन होता है, जहां पर जो डॉटर सेल बनती है वो डॉटर सेल आपकी डिप्लॉयड हुआ करती है, यानी क्रोमोसोम नंबर जस्ट कंपेयर मदर सेल के जैसे ही होते थे। कहानी हमारी आगे बढ़ी, हमने माइटोसिस के सारे फेज बताए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंटीलोफेज, जहां पर हमने फंडा भी दिया था प्राइम मिनिस्टर एंड तमिलनाडु, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। यहाँ पर हमारे ये फंडे का भी एक पार्ट था प्राइम मिनिस्टर एंड तमिलनाडु। हमने कई सारे फेजेस बताए, हमने डिफरेंस भी बताया आपको कि अगर माइटोसिस डिवीजन होता है तो एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, हमने उस डिफरेंस की भी चर्चा करी। और आज हमारा जो सेल डिवीजन है वो है हमारा मियोसिस सेल डिवीजन। ओके, तो आज हम आते हैं मियोसिस सेल। तो मियोसिस सेल डिवीजन जो कि मेरे लेक्चर का पार्ट थर्ड था, मियोसिस सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, क्या बताएं। अगर ये मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता तो ना मैं पढ़ाने के लिए होता ना आप पढ़ने के लिए बैठे होते। क्यों? क्योंकि ओवम और स्पर्म, ये हमारे स्पर्म है, स्पर्म, और ये जो लार्जर आप देख रहे हैं ओवम है, रियल में स्पर्म से कई गुना बड़ी होती है हमारी ओवम, ये हमारे गैमेट्स। एक एनिमल का जो गैमेट होता है, मेल गैमेट हमारा स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट हमारी ओवम होती है, तो ये हमारा मेल गैमेट है, ये मेल का सिंबल होता है और ये फीमेल का सिंबल है। तो जो हमारा मेल गैमेट था वो हमारा था स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम था। जब दोनों का फ्यूजन होता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर होता है जाइगोट, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे जाइगोट। और जायगोट में क्रोमोसोम नंबर 2n होते हैं, क्यों? क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू जो बनता है वो बनता है स्पर्म और ओवम, और मियोसिस सेल डिवीजन के कारण ही हमारे जो गैमेट बनते हैं में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, यानी ऐसी कंडीशन को हम लिखते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ इन कंपैरिजन टू मदर सेल। मदर सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स थे तो यहां पर अब हमारे पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम रहेंगे, यानी जस्ट हाफ हाफ हो गए, इसलिए हमने क्या बोला इसको हैप्लॉइड। तो
हैप्लॉइड थे हमारे ओवम और स्पर्म, जब इनका फ्यूजन हुआ तो जायगोट बना, और जायगोट से आगे हमारा बनता है क्या, एक न्यू बेबी होता है। सोचिए अगर ये स्पर्म नहीं होते, ओवम नहीं होते, तो ना हम कोई कभी बेबी होते, और जब बेबी नहीं तो आज बाबा नहीं होते, है ना। तो भाई वही चीज है कि अगर स्पर्म और ओवम नहीं होते तो शायद क्या 100% हम नहीं होते, आप नहीं होते, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म नहीं होता, धरती खाली होती। लेकिन हमारी बॉडी में एक ऐसा डिवीजन बनाया गया जिससे काफी उम्र तक स्पर्म और ओवम को बनाया जा सके और धरती पे कंटिन्यूटी रह सके हमारी जनरेशन। तो मियोसिस से डिवीजन ने ही स्पर्म और ओवम को बनाया, ये इसकी एक इंपॉर्टेंस है, पहले इंपॉर्टेंस। मियोसिस ही हमारे क्रोमोसोम नंबर को बैलेंस करके रखता है। आज अगर जीते जागते आप सही साथ बैठे हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि आपकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम्स। अदरवाइज आप समझ ही गए होंगे आपकी बॉडी एबनॉर्मल हो जाती, पता नहीं क्या हो जाता है, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसी मियोसिस के आगे पढ़ाओ को कि मियोसिस की मैकेनिज्म क्या है, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई। चलिए चलते हैं मियोसिस की मैकेनिज्म। सबसे पहले की फीचर्स क्या है मियोसिस के, इट इन्वॉल्व्स टू साइकल्स, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। यानी कि ये नोट्स के लिए आपने रखा है, मैंने आपके नोट्स के लिए इससे नोट्स आप बनाएंगे। ये देखिए पेज है, स्टेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के दो स्टेज होंगे, जैसे माइटोसिस में आपने सिर्फ एक स्टेज पढ़ी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं है, मियोसिस में ये जो स्टेज है ये स्टेज टू पार्ट में डिवाइड हुई है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट स्टेज में क्या कह रहे हैं, वही सारी चीजें हैं, मियोसिस फर्स्ट, सेकंड में मियोसिस सेकंड, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, सब में फर्स्ट लगा दे, चलिए वही सारे फेजेस हैं। यानी यहां पर जो मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होगा वो टू स्टेज में कंप्लीट हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। जबकि माइटोसिस डिवीजन जब हम पढ़ रहे थे तो माइटोसिस सिर्फ एक ही होता था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लेकिन यहां पर हमें दो स्टेज करने पड़ रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट पहले हम पढ़ेंगे, जब मियोसिस फर्स्ट पढ़ लेंगे देन हम कूदेंगे कहां पर, मियोसिस सेकंड में। कुछ मैं इसको जरा अपने स्टाइल में आपको बता दूं, पहले ज्यादा आसान हो जाएगा। मान लीजिए कोई सेल है, ओके, ये हमारी मदर सेल है, ये हमारी मदर सेल, मदर सेल है, तो क्रोमोसोम नंबर 12 होगा, यानी सेल हमारी डिप्लॉइड है। मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस में क्या होता है कि पहले इस मदर सेल से टू डॉटर सेल बनेंगी, इन सेल से टू डॉटर सेल बनेंगी, और टू डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। यानी यहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है, हाफ का मतलब रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे रिडक्शनल, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन है। क्यों, क्रोमोसोम नंबर मदर सेल में 2n थे, अभी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है, डॉटर सेल में हैप्लॉइड हो गया है, तो ये हो गया हमारा रिडक्शनल डिवीजन। अब हर एक जो हैप्लॉइड सेल है ये फिर से अपने से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगी, फिर 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन, और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड ही रहेंगे जैसे मदर सेल में। यानी देखा जाए तो माइटोसिस में जैसे क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहा करते थे मदर सेल के बराबर डॉटर सेल में, देखा जाए तो इस दूसरे फेज में वही हो रहा है। यानी दूसरा फेज जो है जिसे हम बोलेंगे यहाँ पर, ये है इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, दो डिवीजन आप देख रहे हैं। यानी जो मियोसिस होता है वो टू स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, माइटोसिस के यहीं पे खत्म हो जाता था, माइटोसिस यहीं पे फिनिश हो जाता था, और एक मदर सेल से डॉटर सेल बन जाती थी। लेकिन अब जो मियोसिस है ये मियोसिस टू स्टेप में कंप्लीट हो रहा है,
और टू स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में वन मदर सेल से टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, वन मदर सेल से टू डॉटर सेल बनी, आप देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, इसको बोला रिडक्शनल डिवीजन। दूसरे में देखेंगे तो वन मदर सेल से फिर देखिए अब ये मदर हो गई, इनसे दो दो सेल्स बन गई, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जस्ट इक्वल है, इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला। अब यही पूरे को हम मियोसिस डिवीजन बोलते हैं, तो यहां पर मियोसिस से लिख दिया जाता है टू स्टेप पे कंप्लीट होता है। इतना जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये आ गया मियोसिस फर्स्ट में, ये आ गया मियोसिस फर्स्ट में, और ये इतना पार्ट आपका आ गया मियोसिस सेकंड। ये है सीन, यानी मियोसिस फर्स्ट में एक मदर सेल टू डॉटर सेल में बनी, फिर वो टू डॉटर सेल फोर डॉटर सेल में डिवाइड होगी, वो आ गया मियोसिस सेकंड। अब समझ में आ गया, अब इसको हमने क्या बोला, रिडक्शनल डिवीजन बोला, इसको इक्वेशनल बोल रहे। अब इसी मियोसिस में कह रहा फिर से फोर्थ फेज है, जैसे कि माइटोसिस में हुआ करते थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, देखिए प्रोफेज फर्स्ट हो गया, मियोसिस फर्स्ट है, सब में फर्स्ट लगा दिया, इधर ऐसे ही क्या हो जाएगा, सब में सेकंड लग जाएगा। जैसे ही चारों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे हमारा मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो आपको थीम दे दी मैंने अपने स्टाइल में, जैसे हर लेक्चर में आपको देता हूँ एक थीम अपने स्टाइल में। अब आपको मैं ले चलता हूँ एनसीईआरटी, वही चीजें हैं, मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, ऐसा कर लेंगे आप, आगे चलते हैं। अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट को चालू करते हैं। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट किया और फर्स्ट स्टार्ट किया तो प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट किया, प्रोफेज फर्स्ट पे क्या क्या होगा देखिए। इट इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, इट इंक्लूड्स, टिपिकली लॉन्गर है और मोर कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अभी आपको कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे समझ में आएगी भाई साहब की कि कितने कॉम्प्लेक्स हैं। It includes five phases based on chromosomal behavior. Chromosomal behavior के कारण यहाँ meiosis first की prophase first stage काफी complex हो जाती है। ध्यान से समझिएगा, मैं एक फंडा बताने वाला हूँ, काफी complex हो जाती है इसमें। यानी जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि meiosis two step में जाता है, meiosis first, meiosis second, फिर पहुंचे meiosis first में, और कह रहा meiosis first में भी फाइव स्टेप है, अरे सॉरी मियोसिस फर्स्ट में फोर स्टेप है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, अब कह रहा है प्रोफेज में भी स्टेप है, इसीलिए काफी लॉन्गर है। पहला है लेप्टोटीन, सेकंड स्टेप जायगोटीन, थर्ड पैचिटीन, फोर्थ डिप्लोटीन, फिफ्थ डाइकाइनेसिस। ये सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होने चाहिए, सीक्वेंस सेम होना चाहिए, लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो इसमें फंडा क्या करते हैं, फंडा मैं दे रहा हूँ आपके लिए, फंडा ध्यान समझिएगा, क्योंकि इस फंडे को ही मैं बायोलॉजी के ट्रिक्स मानता हूँ, इसे फंडे के लिए ही आप भी वीडियो देखते रहे कंटिन्यूअसली। तो फंडा क्या कहता है, एल फॉर लंबा, लंबा, जेड फॉर जिराफ, लंबा, जिराफ, पी फॉर पहुंचा, D for देहरा, और D आई की धूम कर दीजिए, इसमें दोनों से जोड़ देना, और देहरा धूम, लंबा, जिरा, पहुंचा, देहरा, धूम, फाइव है यहाँ पे, दो लोग हैं, तो लंबा, जिरा, फंडा क्या कह रहा है कि लंबा, जिरा, पहुंचा, देहरा, धूम, लंबा फॉर L लेप्टोटीन, Z जायगोटीन, P से पैचिटीन, देहरा से डिप्लोटीन, और लास्ट में D धूम, देहरा धूम, लंबा, जिराफ, पहुंचा, देहरा, दून। तो फंडा याद कर लीजिए, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में फाइव सब फेजेस आ गए, और फाइव सब फेजेस हमारे हैं लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, और इसके लिए हमने फंडा जो बनाया वो क्या है, लंबा, जिराफ, पहुंचा, देहरा, दून। ओके, चलिए अब एक एक स्टेप को हमें समझना है यहाँ पर, क्या लेप्टोटीन क्या है, जायगोटीन क्या है। चलो एक एक स्टेप को समझते हैं भाई, सबसे पहले उठाते हैं लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होना है, क्रोमेटिन फाइबर्स बिकम लॉन्ग स्लेंडर क्रोमोसोम्स। जो क्रोमेटिन फाइबर थे ये लॉन्ग हो गए और इन्होंने क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किया। पहला स्टेज कहां पर, लेप्टोटीन में क्रोमोसोम बन गए। जायगोटीन, देखिए जायगोटीन में क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम्स हमारे बन जाते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं,
माइटोसिस डिवीजन में होता है, तो इन ब्लू वाले का कुछ सेगमेंट रेड वाले में और रेड वाले का कुछ सेगमेंट ब्लू वाले में रह जाता है कुछ ऐसे। ये एक मिनट था, ये हमारा और ये हम उसको ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इधर हम ब्लू वाले को ले लेंगे, ये हमारा ब्लू वाला है, ब्लू वाला ले लिया ऐसे, इधर हमने लिया ऐसे, ये हमारे उसी फॉर्म में था, ब्लू वाला आ गया इनके पास, ये आ गया इनके पास, रेड वाला चला गया इनके पास। आप देखें अगर ध्यान से, बहुत ध्यान से, तो जिस जगह पे कियाजमाता था, जहां पे क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े रह गए, उस जगह पे सेगमेंट एक्सचेंज हो गया, जब अलग हो गए थे, क्योंकि इनको अलग होना पड़ेगा। अगर इसको सेल माने हम अपने बोर्ड को, तो इनको अपोजिट पोल पे ले जाएगा स्पिंडल फाइबर इधर, और इनको अपोजिट पोल पे ले जाएगा इधर। तो जब ये अलग हो रहे थे, तो इनके सेगमेंट इनमें चले गया, इनका सेगमेंट इनमें चला गया। ये जो एक्सचेंजमेंट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए हो रहा है, एक्सचेंजमेंट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तीन क्वेश्चन यहां पर लिख लेंगे। ये जो पूरी की पूरी स्टेज दिख रही है, इसको बोलते हैं, जब क्रोमोसोम में चार क्रोमेटिड दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट स्टेज, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट स्टेज बन गई, टेट्रावैलेंट स्टेज तो बन गई। दूसरा क्वेश्चन, जिस प्लेस पे टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े हैं, उस प्लेस को कियाजमाता कहते हैं, और कियाजमाता के पास से ही क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी एक्सचेंजमेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट्स होगा। जब एक्सचेंजमेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट्स हो गया, तो इसी को टर्म दिया क्रॉसिंग ओवर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? तो ड्यूरिंग मियोसिस सेल डिवीजन, द एक्सचेंजमेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट्स इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब आपको समझ में आया क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। पैचिंग टीम पे आ जाएंगे, कंपैटिबली लॉन्गर फेज होता है, बाइवैलेंट क्रोमोसोम देखा, टेट्राड दिखते हैं बाद में, एंड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स व्हिच क्रॉसिंग ओवर, जहां क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल से मैंने कियाजमाता होता है। रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैचिंग। रिकॉम्बिनेशन मतलब जो क्रॉसिंग ओवर हो गया, अब रिकॉम्बिनेशन बन गया। अभी तक रेड रेड था, ब्लू ब्लू था, लेकिन जब क्रॉसिंग हुआ तो रेड में कुछ ब्लू, ब्लू में कुछ रेड आ गया। यही बोला रिकॉम्बिनेशन हो गया। यही रिकॉम्बिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का कारण बनती है। आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई होंगे, लेकिन आपसे डिफर होंगे, थोड़ा सा ड्रेस को छोड़ दीजिए, उसकी बात नहीं करता। लेकिन आप देखेंगे कि एक ही मम्मी पापा के आप भी बेटे हैं, आपकी बहन है, वो भी उनकी बेटी है, लेकिन क्या है, वेरिएशन। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जिस कारण न्यू यानी कि रिकॉम्बिनेशन हो गया। क्रॉसिंग ओवर की डिफिनेशन यहां पे लिखी, वीडियो को पॉज करके उसको आप डिफिनेशन लर्न कर लीजिए। लेक्चर में आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम, चलते हैं मियोसिस फर्स्ट के लिए डिप्लोइड कंडीशन पे। अब डिप्लोइड कंडीशन पे क्या हो रहा है, देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूशन हो रहा है, खत्म हो रहा है, द रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, अब ये सेपरेट हो रहे हैं। These X-shaped structure are called कियाजमाता, जो मैंने बताया। X-shaped जो structure बन गया, वो क्या हो गया? कियाजमाता। Clear? In whose sides of some vertebrates diplotin last for month. कुछ stage में, कुछ vertebrates में ये diplotin stage pause हो जाती है, कुछ month से, कुछ year, कुछ days से, कुछ month तक stop हो जाएगा, नहीं बल्कि ऐसे निकलने का कार्यक्रम। ठीक है? तो diplotin में क्या हो गया? Diplotin में chromosome अलग हो रहे हैं, X फॉर्म में क्रोमोसोम आपको दिखाई पड़ेगा, जिसे हम कियाजमाता कह रहे हैं। डायगेनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाता। अब जो कियाजमाता दिख रही है, उनका टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, अब दोनों भाई साहब अलग हो जाएंगे, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ब्लू और रेड वाले क्रोमोसोम्स थे। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाता, क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, द मियोटिक स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट। अब स्पिंडल फाइबर से माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर जनरेट होने लगी थी, अब स्पिंडल फाइबर जनरेट होना चालू हो जाएंगी, क्योंकि प्रोफेज के बाद जस्ट मेटाफेज आएगा। मैंने बताया था, जब भी मेटाफेज आएगा तो सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे इक्वेटोरियल रीजन पे। तो क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर। अब जब क्रोमोसोम का सही से बंटवारा हो चुका है,
क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, तो अब क्यों ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाए, जिससे कि हमारा जो डीएनए है, क्रोमोसोम है, वो अपोजिट पोल्स की तरफ जा सके। तो देखिए वही काम होगा। तो देखिए वहां पर इतने में तो माइटोसिस खत्म ही हो गया, और यहां पर केवल अभी आप मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट को खत्म किए, लंबा सीधा पहुंचा दे रहा था। ओके, तो यहां पर न्यूक्लियस डिसअपीयर हो गया। अब सिंपल सी बात है, स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं, तो हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स हमारे सेल के इक्वेटोरियल रीजन पे आ जाएंगे। इक्वेटोरियल रीजन पे जाएंगे, वही है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, द क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। क्रोमोसोम्स हमारे इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होंगे, मेटाफेज का रूल ही है, मिडिल पे आ जाना है मेटाफेज। ध्यान से देखिएगा, अभी केवल क्रोमोसोम के पेयर अलग किए गए हैं, क्रोमोसोम के पेयर अलग किए गए हैं, जो भी पेयरिंग कर रहे थे होमोलॉगस क्रोमोसोम, जो भाई साहब मोहब्बत से जुड़े हुए हैं, इन भाई साहब को अलग कर दिया गया, तुम अलग बटो तुम अलग बटो, जुदा कर दिया गया इनको। द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब आ जाइए एनाफेज बेटा, कहते थे कि मूव करते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल्स की तरफ देखिए मूव होना चालू हो गए क्रोमोसोम। जाने दीजिए भाई, the homologous chromosomes separate while sister chromatid remain associated at their centromere. Sister chromatid alag nahi hongi, do dono behne thi, abhi keval do chromosomes alag hue hain, jo homologous chromosomes se jo unhone pairing kar li thi, abhi keval wo chromosomes alag hue hain. theek hai, aage chalte hain, aa jate hain telophase first pe. to telophase first pe simple si baat aapne padha tha ki ab chromosome अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच जाएंगे, और पहुंचने के बाद क्या होगा, देखिए द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपीयर, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर रीअपीयर होंगे, एंड ये जो कंडीशन बता रहे हैं दिस इज कॉल्ड डायड। आफ्टर दिस साइटोकाइनेसिस मे और मे नॉट अकर, हो सकता है इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाए, यानी साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन, बट हो सकता है ना भी हो। आफ्टर अ शॉर्ट इंटरफेज इट इज फॉलोड बाय मियोसिस सेकंड, अब एक छोटे से इंटर के बाद ये मियोसिस सेकंड में एंटर करेगा। दिस शॉर्ट स्टेप बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। ये जरा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज इंटरकाइनेसिस। तो एक छोटा सा टाइम पीरियड दो मियोसिस डिवीजन के बीच, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस छोटे टाइम पीरियड को हमने क्या नाम दिया, इंटरकाइनेसिस। इसको नेम दिया गया इंटरकाइनेसिस। डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर इन दिस फेज। अब इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, जितना डीएनए रेप्लिकेट हो चुका था एक बार, अब रेप्लिकेशन हो गया है, दोबारा रेप्लिकेशन नहीं होगा। ओवरऑल अगर हम देखें अब मियोसिस सेकंड पे, सॉरी मियोसिस फर्स्ट पे, तो हमने मियोसिस फर्स्ट में दो सेल्स को बनाया था, और दोनों सेल्स में क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड कंडीशन में पहुंचे, यानी 46 जहां क्रोमोसोम थे हमारे, उन 46 का हैप्लॉइड पार्ट पहुंचा, और वो हैप्लॉइड पार्ट पहुंचा हमारे इतना 23 क्रोमोसोम्स। इट रिसेंबल्स द माइटोसिस, इट हैज फोर फेजेस। अब मियोसिस सेकंड में आ जाइए, तो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज, टेलोफेज सेकंड आ गए, क्लियर। अब चलिए इसमें देखिए प्रोफेज सेकंड, अब स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, इट इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस, द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, फिर से क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो गए, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब डिसअपीयर हो गए सेल, फिर से ये फुल्ली फेज में आ गए, हमारे क्रोमोसोम दिखाई पड़ने लगे। एंड मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर से फिर क्या हो गया, देखिए क्रोमोसोम के मिडिल पे आ गए, फिर जैसे मेटाफेज था वैसे ही आ गए मिडिल पे। एंड देन एनाफेज में मूव करेंगे टुवर्ड द अपोजिट पोल, देखिए अब की जो अलग हुआ वो आप क्या अलग हुआ, वो अलग हुआ सिस्टर क्रोमेटिड। अभी रेड वाला देखिए एक सिस्टर दो थे, देखिए दो थे रेड वाले, यहां पर दो क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम में, अब देखिए सिर्फ एक ही एक क्रोमेटिड पहुंच रहा है, सिर्फ सिंगल सिंगल क्रोमेटिड पहुंच रहा है, ये एनाफेज में यहां पर डिफरेंस। वहां एनाफेज में पेयर से क्रोमोसोम अलग करके पहुंचे थे, यहां पर पेयर में मौजूद दो सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो रही है, जुदा हो रही है, अपोजिट पोल्स की तरफ जा रही है। चलिए जाने दीजिए अपोजिट पोल्स की तरफ भाई, आ जाए टेलोफेज। टेलोफेज का अपोजिट पोल की तरफ बिल्कुल पहुंच ही जाएंगे, और फिर से इनके सराउंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवलप, साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेटेट्राड, मतलब चार सेल बन जाएंगी, फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल। ऐसा दो सेल्स बनी थी पहले मियोसिस फर्स्ट में, यहां पर एक से दो दिखाया गया सिंपल, ये दूसरे के साथ भी हुआ, तो दो से चार सेल का फॉर्मेशन हो गया, और इस तरीके से हमारा टेलोफेज खत्म हो जाता है।
है। एंड टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस में अपना हमारी फोर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। यानी ओवरऑल अगर आपने देखा तो ये देखा कि जो हमारी सेल थी प्रोफेज फर्स्ट में, अभी उसने होमोलॉगस क्रोमोसोम में पेयरिंग करी, पेयरिंग के बाद तो आपको पता है कि प्रोफेज फर्स्ट में तो फाइव सब फेजेस होते थे, लंबा, ज़िराब, पहुंचा, देहरादून, लेप्टोटी, जायगोटी, पैचीटी, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। तो वहां पर हमारा प्रोफेज हो गया। मेटाफेज फर्स्ट में हमारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल रीजन पे आ गए। देखिए क्योंकि क्रोमोसोम के पेयर अलग हुए, यहाँ पर देखिए क्रोमेटिड आपस साथ में जुड़ी हुई है, यहाँ देखिए केवल पेयर अलग हो रहे हैं, पेयर अलग करके दो सेल बनी हमारी। यहाँ टेलोफेज सेट में टेलोफेज फर्स्ट में हमें कितनी सेल मिली, टू सेल्स मिली। अगर देखिए मदर सेल में दो क्रोमोसोम्स थे, है ना, यानी चार थे, 1 2 3 4 जिन्होंने पेयरिंग कर दी। अब इन चार क्रोमोसोम में केवल दो ही क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि हैप्लोइड कंडीशन हो गई। जबकि यहाँ पे चार क्रोमोसोम थे, ये दो हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक हेड ऊपर एक हेड नीचे, देखिए चार क्रोमोसोम, चार क्रोमोसोम में केवल दो ही पहुंच रहे हैं, यानी ये तो कंडीशन क्या हो गई, हैप्लोइड। पहले 2n था, क्या बचा, n। लेकिन अब आप देखेंगे कि जब हमारा साइटोकाइनेसिस के बाद प्रोफेज सेकंड आ गया, तो प्रोफेज सेकंड फिर से वही घटना, क्रोमोसोम अपीयर हुए, आपके देखिए क्रोमेटिड अलग हुए, यानी दो क्रोमोसोम यहाँ भी थे और देखिए डॉटर सेल में भी दो क्रोमोसोम थे। इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। डिवीजन कैसा हुआ, इक्वल हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुए, डिवीजन इक्वल हुआ। इस तरीके से एक डॉटर सेल से फोर हैप्लोइड, सॉरी एक मदर सेल से फोर हैप्लोइड डॉटर सेल बन जाती है। इसी तरीके से आपकी बॉडी में स्पर्म बन जाते हैं और फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस से एक प्लांट में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और एक एनिमल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। चलिए थोड़ा सा सिग्निफिकेंस की बात करें, तो हमारे मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मैंने आपको पहले बताया कि मैं हर टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी जरूरत को जाता हूँ कि उसकी इम्पोर्टेंस है। ऐसे हमारे सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट कंजर्व द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज, हर एक स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करता है, क्योंकि मियोसिस से डिवीजन के थ्रू क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है। इट कॉजेस जेनेटिक वेरिएशन ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, ये मैंने बताया आपको कि जब कभी भी क्रॉसिंग ओवर होगा तो समझ लीजिए जैसे एक हाथ पे आपने रेड कलर ले लिया, एक हाथ पे येलो कलर लिया, दोनों को मिलाकर कैसे किया, आप ये नहीं डिफाइन कर सकते कौन सा कलर किस हाथ में लिया। सेम ऐसे जब जब आपका जायगोटीन होता है, जब जोड़े बनते हैं क्रोमोसोम्स के, और जब क्रोमोसोम अलग होते हैं तो कुछ सेगमेंट एक दूसरे से एक्सचेंज आते हैं, किसी को नहीं पता। और इसी सेगमेंट के एक्सचेंज होने के कारण जो कैरेक्टरिस्टिक में ऑर्गेनिज्म के बदलाव आ जाते हैं उसे हम वेरिएशन। तो वेरिएशन प्रोवाइड करता है किसी पॉपुलेशन के लिए, धरती पे इवोल्यूशन हुआ, नए नए ऑर्गेनिज्म बने, वो नए नए ऑर्गेनिज्म बनने का जो कारण था वो कारण क्रॉसिंग ओवर था। क्रॉसिंग ओवर होता गया, सेगमेंट चेंज होते गए डीएनए के, पता नहीं कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बन गया, कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक आ गया कि वो गर्मी में भी रह सकता है तो वो एक अलग स्पीसीज बन गई, कोई ठंडी में रह सकता है वो एक अलग स्पीसीज बन गई। इस तरीके से धरती पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, इवोल्यूशन। तो हमारे आज के लेक्चर में हमने मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में जाना, जिसकी इम्पोर्टेंस आपको मैंने अभी तुरंत बताई क्या इम्पोर्टेंस है। मियोसिस जैसे ही डिवीजन्स को, माइटोसिस जैसे डिवीजन्स को पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, जिससे कि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो विथ नोट्स आपको प्रोवाइड हो सके। और जैसे कि पता है कि हमारी आर टी अकेडमी में हर फैकल्टी की एक अच्छी सुविधा है, जहाँ पर आपको अच्छे टीचर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी में नॉलेज दी जाती है। ओके, तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे। तब तक के लिए बाय बाय।